चाय जो कि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा पिए जाने वाला ड्रिंक है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो टेस्टी है, बल्कि इसलिए क्योंकि अफोर्डेबल है। मैं गरीब हूँ। तुम किसी के घर चले जाओ, तुम्हें खाना ऑफर करे या ना करे, चाय जरूर ऑफर करेगा। बात तो सही है। लेकिन कुछ नमूनों ने चाय के भाव को भी आसमान की पप्पी दिलवा दिए। भैंस की आंख 100 रुपए 150 रुपए, वाजी वाह। अब तुम बोलोगे कि तूने स्टारबक्स के कॉफी के रेट नहीं देखे हैं? देखे हैं भाई, ऑब्वियसली देखे हैं, वो तो ऑलरेडी है ना रईस के 14 लोगों के लिए। हम हैं ऊंची क्लास के लोग और तुम्हारा हमारी क्लास के मुकाबले में कोई क्लास नहीं। हम तो टपरी में 10 रुपए की कुल्हड़ वाली चाय पीने वाले लोग हैं भाई। तेरे मुंह पे चाय फेंक के मारूंगा मुंह पे अगर आज के बाद ये चाय में मलाई आ गई तो। स्वागत है आप सबका, तो आइए आज का रंगा रंगा कार्यक्रम शुरू करते हैं। धन्यवाद। MBA चाय वाला जो सिर्फ एक चाय वाला नहीं बहुत बड़ा स्कैमर है। क्या स्कैमर नहीं बोलना, बिजनेसमैन है, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ठीक है, बिजनेसमैन है। सबके सब चोर हैं साले। और अब इनके नक्शे कदम पे चल करके मार्केट में आ गई है बीटेक पानी पूरी वाली। कुछ दिन में सीए बड़ा पाव वाला, IAS सब्जी वाला, MBBS दारू वाला भी मिल जाएगा हमें देखने को। क्योंकि भाई लोगों को पैसा बर्बाद करने के बाद ही आ रहा है कि अबे यार शिट, पैशन फॉलो करना तो रह गया शिट, पर अब तो पैसे लग चुके हैं तो क्या हो गया, पैशन तो फॉलो करना चाहिए ना यार। चलो ठेला खोले। इतने झूठ मारूंगा कि टाट नकली कर दूंगा मैं। मेरा नाम तापसी उपाध्याय है और मैं 21 ईयर की हूँ, सिर्फ 21 साल की। और कहते हैं ना एज इज जस्ट अ नंबर, तो हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। वो सब तो ठीक है बहन, लेकिन तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? हेल्दी पानी पूरी ही बनाती हूँ, बस खुद का शरीर हेल्दी पसंद नहीं पड़ रहा। हेलमेट क्यों लगा है? हेलमेट क्यों लगा तुम? रुका। कहते हैं लोग कि बीटेक करके तुम ये क्यों कर रही हो? पहली बात तो अभी हुआ नहीं है, अभी मैं स्टूडेंट ही हूँ, थर्ड ईयर में हूँ। कॉलेज के आखिरी समय में इनको याद आ रहा है कि यार देखो बीटेक करके तो कुछ होगा नहीं, तुमसे ना हो पाएगा। तो एक काम करते हैं, पैशन फॉलो करते हैं, टपरी खोल लेते हैं। कतई फरहान हो रही हो यार आप तो, 3 Idiots की। अब्बा नहीं मानेंगे। उसको भी आखिर में याद आया था, आपको भी आखिर में याद आ रहा है। अरे ये जनरेशन का ना यही प्रॉब्लम है। और एक मिनट, ये डेली पानी पूरी बेचने जा रही है तो पढ़ कौन रहा है, कॉलेज कौन जा रहा है? आर यू कॉमेडी मी? तो ये है मेरा पानी पूरी का स्टार्टअप, जिसमें हम आपको सर्व करते हैं हेल्दी वर्जन ऑफ पानी पूरी। कुछ हेल्दी नहीं है, बस ये डीप फ्राई नहीं किया हुआ है। तुमने वाले पापड़ देखे हैं जिसको मम्मी फ्राई कर देती है तो गोलगप्पे का आकार ले लेता है? वो है ये। हम गधे हैं। इन पापड़ को आप घर ले जाकर के फ्राई करके खा लो या फिर रेत में भुनवा करके खा लो, टेस्ट अजीब सा ही आता है। क्योंकि यार हमने खाए हैं बचपन से सूजी और आटे के गोलगप्पे, अभी गोलगप्पे के जैसे दिखने वाला वस्तु हमारे समझ में तो नहीं आएगा। अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है। तो पानी की प्रिपरेशन हम करते हैं वो भी पिंक हिमालयन रॉक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक से ही करते हैं। देखो पढ़ाई लिखाई करने के बाद ठेला खोलने का ना अपना अलग ही टेंशन होता है, क्योंकि भाई तुम हो पढ़े लिखे, तुम्हें आती है अंग्रेजी, तो तुम काला नमक नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे हिमालयन रॉक सॉल्ट। जलवा है हमारा। अबे यार सब वही डालते हैं, गोलगप्पे के पानी में सफेद नमक कौन डालेगा, टेस्ट ही नहीं आने का। गोबर फराय का तुम्हारे भेजे में। मैं पढ़ते पढ़ाई के साथ साथ मैंने ये किया है, तो आई डोंट फील एनी शाय और शेम, आई फील प्राउड कि मैं पढ़ते पढ़ते कुछ अच्छा कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए इंसान को, कुछ ना कुछ करना चाहिए जीवन में, बैठे नहीं रहना चाहिए। पर ये ख्याल जब थे आपके मन में तो बीटेक करने से पहले क्यों नहीं कर लिया, आज के डेट में बहुत फैला हुआ बिजनेस होता आपका। काफी फैला हुआ बिजनेस है। रिसर्च एंड ऑल, हेल्दी लाइफस्टाइल पे स्विच करना, योगा, मेडिटेशन एंड हैविंग हेल्दी फूड हाइजीनिक के लिए प्रिपेयर एंड स्विचिंग टू द हेल्दी वर्जन ऑफ ईच काइंड ऑफ फूड, वो मेरी खुद की ही एक जर्नी थी। जितनी बार इन्हें हेल्दी बोल दिया ना भैंस की, अब ऐसा लग रहा है कि तुम सब छोड़ दो, इनके पानी पूरी खा लो, इमोर्टल हो जाओगे। हम नहीं मरेंगे। घुटनों के दर्द पानी पूरी खाओ ठीक, किडनी में पथरी पानी पूरी खाओ ठीक, हृदय रोग इनके पानी पूरी खाओ तुम ठीक, बस तुम इनके पानी पूरी खा लो, धरती पे तुम्हें स्वर्ग की अनुभूति हो जाएगी। साले मजाक बना के रखते हो। स्पॉन्स के चलते हुए 3 महीने में 4 स्टॉल्स कर लिए हैं और फ्यूचर की प्लानिंग रहने वाली है स्वस्थ भारत बनाने की, तो उस पानी पूरी खा के ही तो स्वस्थ भारत बनेगा, ये ग्रीन वेजिटेबल्स तो बेकार में अपने नाम पे बिल फाड़े जा रहे हैं। यह देश बदल रहा है। और यार मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, गोलगप्पा इंसान खाता क्यों है? टेस्ट के लिए ऑब्वियसली, पेट भरने के लिए खाते हैं क्या? नहीं खाते ना। तो अब जो चीज हम टेस्ट के लिए खा रहे हैं, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है उसके लिए खा रहे हैं, उसमें भी हम हेल्दी अनहेल्दी देखे। देखो अच्छी बात है हेल्दी खाना, पर यार महीनों में एक बार गोलगप्पा खाने जा रहा है आदमी, उसमें भी एयर फ्राई खाए, हमें तो टेस्ट नहीं मिल रहा ना जो हमें चाहिए। पर यार क्या पता एयर फ्राई भी अच्छे होते होंगे, वही रेत में भुने वाले, हमने तो खाए नहीं है ना, क्योंकि भाई हमें तो हमारा सूजी वाला ही अच्छा लगता है, हमें पापड़ वाले पसंद नहीं है।
बेटर अंडरस्टैंड। देखो कोई अपना काम शुरू करता है, अच्छी बात है, अपने काम को आगे बढ़ाता है सोशल मीडिया के थ्रू या कैसे भी, वो भी अच्छी बात है, पर जब इंसान खुद को देवता मानने लगता है ना, वहाँ खेल बिगड़ जाता है। अब क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अब हमारे एमबीए चाय वाले को ही ले लो, प्रफुल्ल भाई ने एमबीए करी नहीं, पर सबको ये लगता कि अरे वाह एमबीए करके चाय बेच रहा है, क्या बात है, इसके चाय में तो कुछ अतरंगी ही इंग्रेडिएंट डालता होगा ना ये। ये तो चट्टी है। रोड पे चाय का ठेला क्यों चलाया मैं बताता हूँ, ना रेंट देना, ना इलेक्ट्रिसिटी देना, ना सैलरी देना, ना टैक्स देना, ना कोई झंझट, अपनी दुकान लाओ, दूध लाओ, 100 रुपए का 400 का धंधा। मैं चाहता तो अपने पिताजी से 25 लाख रुपए 20 लाख रुपए ले सकता था। बहुत अच्छा किया भाई आपने जो नहीं लिया, पर जो हमारा युवा आपके पद चिन्हों पे चल रहा है वो तो ले रहा है ना, और उनके पैसे आप मार ले रहे हो। कुछ तरीका है भीख मांगने का? आज हम सभी मैं युवा साथियों के साथ में ये लसुलिया थाने पे आया हूँ, ये एमबीए चाय वाला जो बहुत ज्ञान देता है लोगों को, बच्चों को, आजकल के 10वीं 12वीं के बच्चों को बहुत मोटिवेट करता है। ज्ञानी बाबा बनता है, सर्वगुण संपन्न समझता है खुद को, पर है बहुत बड़े स्कैमर। 20 लाख रुपया पैदल है। इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 30-30, 10-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची, और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। मेरे साथ में सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं इन लोगों ने ठगी का काम करा है। जब इनने फ्रेंचाइजी दी थी बोला था कि हम आपके आएंगे, हम चलाएंगे, 10,000 रुपए का गल्ला रहेगा, 600 रुपए का गल्ला हो रहा है। देखो बात क्या होती है, आजकल लोगों में प्रॉब्लम ये है कि किसी के फॉलोवर्स ज्यादा देख करके लोग सोचते हैं कि अरे भाई ये तो बहुत फेमस है, इसको तो सब जानते होंगे, तो चलो इसका नाम यूज करके हम भी पैसा कमा लेते हैं। पैसा ही पैसा होगा, रिच हो जाते हैं। और वही सामने प्रफुल्ल भाई अपना बिजनेसमैन वाला दिमाग लगा करके ऐसे लोगों के दिमाग से खेल जाते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और आजकल लोग ज्ञान देने वाले को ज्ञानी समझ लेते हैं और भूल जाते हैं कि ज्ञान देना और ज्ञानी होने में बहुत फर्क होता है। अरे बाबा 10,000 रुपए भी नहीं आ रहे, ऐसी स्थिति बन रही है, सब लोगों ने, सब युवा है, सब छात्र है इंदौर के, सब ने लोन लिया है, किसी ने अपने घर पे लोन लिया है, हर जगह मतलब सब किसी ने ब्याज पे पैसे लिए, ऐसी स्थिति हो गई कि आज ये घर पे मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मैं आप सभी लोगों से कहना, तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा। प्रफुल्ल भाई अपने इंटरव्यू में खुद बोल रहे हैं कि उसने ठेली से स्टार्ट किया था और बोला था आज हिंदुस्तान में युवा शुरू दिन से सेट बनता है। ये बात अच्छी कही आपने, पर पता नहीं उन लोगों ने ये इंटरव्यू क्यों नहीं देखा जो लोग 10-20 लाख रुपए लोन लेकर के एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी खरीद रहे हैं। कौन है ये पागल आदमी? वो भी स्टार्टअप करने के लिए। अभी एमबीए चाय वाले का खुद का स्टोर अच्छा नहीं चल रहा भैया, तुमको कहाँ से पैसा आएगा? अला कहाँ जाऊँ पैसा कमाने के लिए, इधर बैंकेट हॉल में दिहाड़ी लगाऊँ या इस होटल में दिहाड़ी लगाऊँ? रोज का रोज ज्ञान देता है कि आप ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम चाय वाले हैं, आप इससे कमा सकते हैं, या आप लोगों के पैसे की मर्सिडीज में घूम रहा है, इन लोगों की पैसे की मर्सिडीज रोज ला रहा है, नहीं हर महीने कार ला रहा है, आप सभी से मेरा इसका बायकॉट करेंगे हम। और अभी आज मैं लसुलिया थाने पे इसका दिया है, या जहां भी मुझे दिखेगा, कहीं भी दिखेगा, तो इसका विरोध कराऊंगा। इंदौर में एक भी लोग इसकी फ्रेंचाइजी नहीं लेंगे। गुड डिसीजन, वेल डन। एंड डियर युवा, किसी के फॉलोवर देख करके उन पे भरोसा करना बंद करो, क्योंकि फॉलोवर्स खरीद ही बजा सकते हैं। तो प्रफुल्ल कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे भाई, झूठ बोलने की भी हद होती है, पता है तुमको? नहीं। तुम बोल रहे हो सिर्फ और सिर्फ तुमने फ्रेंचाइजी फीस ली है लोगों से, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंचाइजी फीस, वो भी सर्विस फीस के नाम से, वो लिया सो अलग, तुमने मुझसे, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी दुनिया की बात छोड़ दे रहा हूँ, तुमने सिर्फ मुझसे 10 लाख रुपए रॉ मटेरियल के लिए लिया है, और उसमें से तुमने सिर्फ 2.5 से 3 लाख रुपए का मुझे रॉ मटेरियल भेजा और 10 लाख का बिल फाड़ा है मुझे, पता है? और तुमसे बड़ा घपलेबाज कोई है नहीं आज के टाइम के यूथ का, तुम पैसा और समय दोनों बर्बाद कर रहे हो, करियर भी बर्बाद कर रहे हो, तुमको पता है ये चीज? लो इनके भी गए लोग भाई, अंधे हो जाते हैं क्या, किसी चीज में तुम पैसा लगा रहे हो बिना जांच पड़ताल किए, 10-20 लाख रुपए ऐसी लगा दे रहे हो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा बाबा। और प्रफुल्ल भाई क्या गेम खेले हैं आप, गर्दा उड़ा दिए एकदम है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले मोटिवेट करके लोगों के लिए संदीप महेश्वरी बन गए, अपना नाम बना लिया, फिर अपना नाम बेच दिया, और अब मिस्टर इंडिया हो गए। चीटिंग 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 करता है तू, गंदे बच्चे। अब बस बीटेक चाय वाली, सॉरी बीटेक पानीपुरी वाली अपनी फ्रेंचाइजी बेच करके ऐसे स्कैम ना करे, वेल पता नहीं कुछ भी हो सकता है। शर्म करो, भगवान से डरो। वैसे गाइस कौन सही है कौन गलत है वो तो केस सॉल्व होने के बाद ही पता चलेगा, उन लोगों ने केस तो कर दिया प्रफुल्ल पे, देखते हैं अब क्या होता है। जनता माफ नहीं करेगी। सो आज की वीडियो के बस इतना ही, वीडियो पसंद आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू डू लाइक एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।